नेता हेबे अधिक महिला महिला आरक्षण बिल आणिले केन्द्र सरकार नुआ संसद भवन रे स्वतंत्र अधिवेशन द्वितीय दिन रे केन्द्र सरकार आनिछंती महिला आरक्षण बिल। केन्द्र सरकार एहि बिल रो ना नारी शक्ति बंदन रखिछंती। आईन मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मंगलवार लोकसभा रे नारी शक्ति बंदन अधिनियम आगत करिछंती। सोमवार बिल को केन्द्र कैबिनेट अनुमोदन करथिला। नारी शक्ति बंदन अधिनियम लोकसभा रे आगत हेबा परे विरोधी मध्य एहाकु एक स्वर रे समर्थन करिवे बोली प्रधानमंत्री आशा प्रकाश करिछंती। महिला सशक्तिकरण और महिला नेतृत्व क्षेत्र में यह संविधान संशोधन बिल विशेष सहायक बोली मोदी दृढ़ोक्ति करिछंती। यह गणतंत्र को अधिक सुदृढ़ करिबो बोली कहिछंती मोदी। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। नारी शक्ति बंदन अधिनियम बलरे अधिकरु अधिक महिला लोकसभा और विधानसभा सदस्य हो पारे। देशर विकास में अधिकरु अधिक महिला नियोजित हो पारे। संसदर उभय गृहर अनुमोदन परे एही बिल आईनरे परिणत हेबो। आईनरे परिणत हेले लोकसभारे महिला सदस्यक संख्या 181 हेबो। वर्तमान लोकसभारे महिला सांसदक संख्या 82 रहिछि। यह विधेयक 1996 में जब देवगुड़ा जी ने प्रस्तुत किया तब भी हमने इसका बहुत स्वागत किया था, लेकिन फिर ये स्टैंडिंग कमेटी को चला गया। स्टैंडिंग कमेटी को जिस संशोधन पर गया वह संशोधन मैंने ही प्रस्तुत किया और आज भी वो संशोधन मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र के द्वारा भेज दिया। इस बिल का स्वागत किया है, बहुत स्वागत किया है, भूरी भूरी स्वागत किया है। और विपक्ष के लिए ये चुनावी नौटंकी ही है, क्योंकि विपक्ष ने और विशेषतः कांग्रेस ने सत्ता में रहने के बावजूद कभी भी महिला को आरक्षण नहीं दिया, जबकि बार बार इसकी मांग उठती रही और कांग्रेस के पास पूरा बहुमत था लोकसभा में। ये भी सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में पहला राजनीतिक दल बना जिसने अपनी पार्टी में महिलाओं को आरक्षण दिया। और हास्यास्पद है कि सोनिया जी एक महिला अध्यक्ष होने के नाते अपनी पार्टी में यह सम्मान अपनी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं को ना दे पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम श्रेय नेबाकु सरकार विरोधी मुहामुही। सेपटे केन्द्र सरकार महिला आरक्षण बिल आगत करने पर विरोधी और सरकार मुहामुही भली स्थिति देखा मिली। आईन मंत्री मेघवाल लोकसभा रे बिल आगत करने समय रे विरोधी हट्टगोल करिछंती। कांग्रेस समय रे एही बिल आगत करा जैतिबा विरोधी कहिछंती। मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल आनिबाकु एते विलंब काहेकि कले एहाकु नै प्रश्न उठाइछंती विरोधी। सेहिपरि संसद बाहरे जेतेबेले सोनिया गांधी को महिला आरक्षण नै प्रश्न करा जैतिला से उत्तर रे कहिथिले एहा अमर ये मीठा थी या तीखा थी तो बाद में पता चलेगा ना, पहले तो लाने दीजिए। हम तो चाहते हैं कि वुमेन रिजर्व बिल जल्द से जल्द लाया जाए और पारित भी किया जाए, लेकिन उसके अंदर क्या है मैं अभी कैसे बताऊं। पहले लाने दीजिए, उसके बाद हमारे पार्टी की तरफ से जरूर हमारी व्याख्या दिया जाए। ना हम जिस ढंग से लाना चाहते हैं उस ढंग से अगर तो लाए, लेकिन ये वुमेन रिजर्वेशन बिल इसकी शुरुआत यूपीए सरकार ने और खास मैडम सोनिया गांधी जी ने की थी। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हुआ था, कभी पास नहीं हुआ। और दो कि ये बिल पुराना लोकसभा में लंबित है, ये बिल 2014 में ही लोकसभा को विघटन के साथ ही ये बिल निरस्त कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष, दोनों स्टेटमेंट फैक्चुअल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इनकी स्पष्टता मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इसकी स्पष्टता उनसे मांगी जाए या तो रेकॉर्ड से दूर किया जाए। संसद में महिला आरक्षण बिल रो प्रस्ताव पाखापाखि 3 दशंधि धरी अटकी रही। प्रथमे 1974 रे महिला स्थिति आकलन करथिबा समिति एही बिल कथा उठाई थिला। ब्यूरो रिपोर्ट, कनक न्यूज़।